हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फहीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। भाई आज तो बड़ा कमाल हो गया भारत में, और भारत में एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ हमारे सामने आई है कि भारत में हुआ पबजी बैन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत में पबजी हुआ बैन, और साथ ही साथ 117 चाइनीज ऐप्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी कि पबजी मोबाइल हैज बीन बैंड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। लगभग आपको बता दूं मैं, 33 मिलियन एक्टिव पबजी प्लेयर भारत में मौजूद हैं, और पबजी बैन करने के पीछे एक भारत का बड़ा मकसद सामने आया है, जिसको मैं SSS यानी ट्रिपल एस के नाम से आपको बताना चाहूँगा। ट्रिपल एस का मतलब यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, यानी कि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारा भारत पूरी तरीके से मजबूती बनाना चाहता है, इसलिए चाइनीज ऐप्स को बंद करने की बात की जा रही है। इन चाइनीज ऐप्स को बंद करने के पीछे जो मूव है वो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने का एक बड़ा कदम भारत में हो सकता है। मिनिस्ट्रीज ने कहा है कि अभी कुछ दिनों में उनके पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, कुछ शिकायत आई हैं कि भाई एंड्रॉयड और iOS यूज़र जो हैं उनका डेटा चुराया जा रहा है और अनऑथराइज तरीके से हमारे देश के बाहर लीक किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा भारत के सामने हो सकता है। तो नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी डीप एंड इमीडिएट कंसर्न विच रिक्वायर्स इमरजेंसी मेजर्स, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो वही मोबाइल पबजी मोबाइल यूजर्स हैं, है ना, और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत दुखद न्यूज़ है, लेकिन अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो ये हमारे लिए एक बड़ी खबर भी हो सकती है, और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि भाई उनके जो बच्चे हैं अब वो पबजी से दूर हट जाएंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा इनका इंक्लिनेशन बढ़े। तो देखना ये है कि अभी होना क्या है, और अभी जो भी कोई न्यूज़ आने वाली है, जो भी अपडेट होगी, आप हमारे चैनल से लगे रहिए और हम आपको तुरंत जो भी अपडेट आएगी तुरंत देंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।